देखिए इस पे का क्या बयान है, वो अपना बोल रहे हैं तो कल ही देखे, कल इस प्रकार का ट्वीट आया है तो कल देखिए क्या मायने हैं नहीं मायने हैं। वो उनकी अपनी पार्टी में उनको बात रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब बात करना जो है ठीक नहीं रहता। सर ऐसे कई नेता, ऐसे सुधाकर सिंह हो, पहले आसिफी सिंह गए, अब उपेंद्र कुशवाहा है, तो लगता है कि एक कुछ महागठबंधन बनने, जैसे सुधाकर सिंह भी बोले थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा बोले, तो लगता है कुछ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है महागठबंधन के खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, आप एक बात समझ रहे, जो आप लोग कल्पना कर रहे हैं कोई नैरेटिव सेट कर रहा हो तो सेट हो जाता है क्या? जो सोच के साथ आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं, हम लोग भली भांति लोग जानते हैं। ये पहले वाली ये बात थोड़ी ना रही, कोई कोई कुछ कहेगा हम लोग बिखर जाएंगे। हम लोग एक हुए हैं और हम लोगों का एक होने का कारण है कि देश से जो सांप्रदायिक शक्तियां जो काबिज है उनको हटाने के लिए महागठबंधन बनी है, बात स्पष्ट है। तो फिल्ट्रेशन होगा? आप अरे भाई, कोई अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो पार्टी तो कार्रवाई करेगी ना भाई। तो ये सब तो कहीं भी आपने देखा होगा, कोई अगर कुछ बोलेगा तो पार्टी उसी हिसाब से देखती है।